फ्रेंड्स, थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पावर सप्लाई के जरिए किस तरह से रन किया जाता है, यदि आप थ्री फेज मोटर को स्टार कनेक्शन में रन कर रहे हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, मोटर की डायरेक्शन किस तरह से चेंज की जाएगी, यदि आप इसी मोटर को डेल्टा कनेक्शन में रन करते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन में मोटर की डायरेक्शन किस तरह से चेंज की जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर एक थ्री फेज मोटर है जो कि 0.37 किलोवाट या 0.5 एचपी की आप कह सकते हैं। इस मोटर को हम सिंगल फेज पावर सप्लाई के जरिए रन करेंगे। देखिए, अभी हमारे पास ये जो मोटर है स्टार कनेक्शन में हमने यहाँ पर कनेक्शन कर रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मोटर को रन करने के लिए हम जो कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं 15 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। यदि आपके पास मोटर की रेटिंग ज़्यादा है तो आप वहाँ पर 36 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स ज़्यादा रेटिंग की मोटर के लिए आपको ज़्यादा रेटिंग का कैपेसिटर यूज़ करना होगा। हमारे पास आधे एचपी की मोटर है, इसके लिए हम 15 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं। कनेक्शन समझ लेते हैं स्टार कनेक्शन में। तो फर्स्ट टर्मिनल पर कैपेसिटर का फर्स्ट वायर लगाया है, सेकंड टर्मिनल पर लाइन के साथ हमें कैपेसिटर का दूसरा वायर लगाना है। देखिए, लाइन वायर यहाँ कनेक्ट किया, इसी के साथ कैपेसिटर लगाया है, और थर्ड टर्मिनल पर हमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में हम कर रहे हैं। हमारा कनेक्शन यहाँ पर हो चुका है, फर्स्ट पर कैपेसिटर का वायर, सेकंड पर कैपेसिटर के साथ लाइन वायर लगाया है, और लास्ट में न्यूट्रल वायर लगाया है। ठीक है, अभी के लिए स्टार कनेक्शन में हम सिंगल फेज पावर सप्लाई यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल फेज पावर सप्लाई कनेक्ट किया है। अभी आप देखिए, हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। देखिए, मोटर हमारी रन कर रही, परफेक्टली मोटर रन कर रही है। मोटर की डायरेक्शन यदि हम देखें तो मोटर की डायरेक्शन एंटी क्लॉक वाइज है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, मोटर हमारी परफेक्टली रन कर रही है सिंगल फेज पावर सप्लाई के जरिए, और डायरेक्शन इसकी एंटी क्लॉक वाइज है। अब यदि आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ से न्यूट्रल का वायर और कैपेसिटर के वायर को आपको इंटरचेंज कर देना है। देखिए, यहाँ पर कैपेसिटर के वायर को लास्ट में लगा दिया है, न्यूट्रल वायर को फर्स्ट टर्मिनल पर लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हमने इंटरचेंज किया कैपेसिटर वायर के साथ न्यूट्रल वायर को। अभी हम कनेक्शन आपको अच्छे से पहले टाइट कर लेना है। देखिए, न्यूट्रल को चेंज कर दिया है कैपेसिटर वायर के साथ में। अभी हम पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। पावर सप्लाई को ऑन किया, देखिए मोटर हमारी परफेक्टली रन कर रही है। डायरेक्शन पहले एंटी क्लॉक वाइज थी, अभी इसकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, क्लॉक वाइज हो चुकी है। देखिए, स्टार कनेक्शन में हमने मोटर को सिंगल फेज पावर सप्लाई के जरिए रन करा और डायरेक्शन भी चेंज की। अब यदि इसी मोटर को आपको डेल्टा कनेक्शन में रन करना है तो डेल्टा कनेक्शन में किस तरह से होगी समझ लेते हैं। सबसे पहले कनेक्शन को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, और डेल्टा कनेक्शन करने के लिए यहाँ पर ये जो कनेक्टर्स हैं इसे इस तरह से पैरेलल लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा कनेक्शन यहाँ पर डेल्टा में हो जाएगा, तीनों पर तीन कनेक्टर्स हमें लगा लेना है। डेल्टा कनेक्शन में भी हम देखेंगे किस तरह से मोटर हमारी रन करेगी, किस तरह से डायरेक्शन चेंज की जाएगी। पहले हम इन कनेक्टर्स को अच्छे से फुल्ली टाइट कर लेते हैं। अब फर्स्ट टर्मिनल पर और सेकंड टर्मिनल पर इसी तरह से कैपेसिटर का वायर लगाना है। फर्स्ट पर कैपेसिटर, सेकंड पर कैपेसिटर के साथ हमें लाइन वायर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर कैपेसिटर के साथ लाइन वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, कनेक्शन आपको फुल्ली टाइट करना है। देखिए, कनेक्शन को आप केयरफुली वॉच कीजिए, काफ़ी सिंपल कनेक्शन है हमारे पास, और लास्ट में हमने न्यूट्रल कनेक्ट किया है। ठीक है, फर्स्ट में कैपेसिटर, सेकंड में कैपेसिटर के साथ लाइन वायर, और लास्ट में न्यूट्रल वायर। पावर सप्लाई हम कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पावर सप्लाई कनेक्ट किया। अभी हमारी मोटर देखिए परफेक्टली रन कर रही है डेल्टा कनेक्शन में भी, और जो मोटर की डायरेक्शन है वह एंटी क्लॉक वाइज है। ठीक है, एक बार देखिए, एंटी क्लॉक वाइज है। अब यदि डेल्टा कनेक्शन में आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो यहाँ से उसी तरह से जो न्यूट्रल वायर है, न्यूट्रल को और कैपेसिटर के वायर को इंटरचेंज कर देना है। तो आपकी जो डायरेक्शन, देखिए न्यूट्रल वायर को यहाँ से ओपन किया और कैपेसिटर वायर को ओपन करना है, देखिए यहाँ से, और इन्हें इंटरचेंज कर देना है। तो डेल्टा कनेक्शन में भी आपकी मोटर की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। चलिए पहले हम कनेक्शन कर लेते हैं प्रॉपरली। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट पर न्यूट्रल लगा दिया है। अभी हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है वो क्लॉक वाइज होना चाहिए, पहले एंटी क्लॉक वाइज थी। ठीक है, पावर सप्लाई हम कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए मोटर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी हमारी मोटर की जो डायरेक्शन है वो क्लॉक वाइज होना चाहिए। देखिए, परफेक्टली रन कर रही है और जो डायरेक्शन है वह क्लॉक वाइज है। तो इस तरह से यदि आपके पास कोई थ्री फेज की मोटर है और उसे आपको सिंगल फेज पावर सप्लाई से रन करना है तो आप इसे स्टार कनेक्शन में भी रन कर सकते हैं, डेल्टा कनेक्शन में भी रन कर सकते हैं। बट आप इस तरह से यदि थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज पावर सप्लाई से रन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ज़्यादा माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करना है। यदि ज़्यादा माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर कनेक्ट किया
तो वहाँ पर आपकी मोटर वहाँ बर्न भी हो सकती है। और यदि इस तरह से आप मोटर को रन कर रहे हो तो कुछ समय के लिए रन कर सकते हैं, परमानेंटली रन नहीं कर सकते सिंगल फेज पावर सप्लाई के साथ। यदि आपको टेस्टिंग के लिए चेक करना है तो टेस्टिंग के लिए आप ज़रूर रन कर सकते हैं, बट परमानेंटली रन नहीं कर सकते। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।